प्लास्टिक्स का इस्तेमाल आज पूरी दुनिया इतनी ज़्यादा मात्रा पे कर पा रही है जिसका कोई इलाज भी नहीं है, और ये प्लास्टिक हमारे पूरे पर्यावरण, कार्बन उत्सर्जन और पूरी दुनिया को तबाह करने में लगा पड़ा है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जितना भी प्लास्टिक निकलता है उसमें से ओनली 15% यानी 15% प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है। बाकी का जो प्लास्टिक होता है वो प्लास्टिक को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिससे पूरे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इंसान को सबसे ज़्यादा प्लास्टिक से ही नुकसान हो रहा है, और साथ ही जितने भी जीव जंतु और जानवर हैं उनको प्लास्टिक से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसके लिए साइंटिस्टों ने एक बहुत ही खास तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करी, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है बायोडिग्रेडेबल, जिसे साइंटिस्टों ने डेवलप करा है और ये आने वाले की प्लास्टिक के लिए बहुत ही खास तरह की पूर्ति को करने वाला है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बनाने के लिए जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जो खराब पौधे होते हैं, उनके नीचे जो लगा होता है सोल्यूज या फिर लिग्निन का इस्तेमाल करके इस बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बनाया जाता है, जो कि आने वाले भविष्य की एक खास टेक्नोलॉजी होगी।